ओम शांति परम पिता परमात्मा केवल हमारे रूहानी पिता ही नहीं हैं अविनाशी पिता ही नहीं हैं बल्कि परमात्मा हमारे रूहानी शिक्षक और सतगुरु भी हैं कोई भी ऐसा दुनिया में ऐसा इंसिडेंट नहीं होता जब किसी का पिता उसका पिता भी हो उसका टीचर भी हो और उसका गुरु भी हो कभी कभी दुनिया में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का पिता शिक्षक भी होता है लेकिन पिता भी हो शिक्षक भी हो गुरु भी हो ये केवल परम पिता परमात्मा ही होते हैं और दुनिया के पिता शिक्षक और गुरु विनाशी प्रकार की इनहेरिटेंस देते हैं पिताश के द्वारा हमें उसकी इनहेरिटेंस मिलती है वर्षा मिलता है शिक्षक के द्वारा हमें कोई ना कोई हुनर कोई ना कोई ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम अपने शरीर का निर्वाह करते हैं कुछ अच्छे गुण सीखते हैं जीवन के और गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु जी गति करते हैं अर्थात हमें आगे की राह बताते हैं कि अब जब दुनिया से तुमको जाना है तो उसके लिए तुमको अपने अच्छे कर्म करने करने के लिए आगे का भविष्य उज्जवल करने के लिए क्या करना है अब हम देखेंगे अगर गौर से देखें तो सारे विश्व में जितने भी किसी के संबंध होते हैं संबंध तो अनेक होते हैं भाई भाई का संबंध होता है पति पत्नी का संबंध होता है ग्रैंड चिल्ड्रन का संबंध होता है अनेक होते हैं अंकल मैटर्नल अंकल मामा चाचा काका का। जो अर्जुन को कहा गया है पहले ही चैप्टर में हे अर्जुन इनको भूलो तो हम देखेंगे कि इन सारे संबंधों में केवल ये तीन ही संबंध हैं पिता शिक्षक और गुरु जो कुछ देते हैं अन्य संबंध में लेने देने का हिसाब होता है जैसे पति पत्नी के संबंध में हम कहते हैं हाफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है आधा आधा उनका आपस में बढ़ जाता है दुनिया में और भी जितने हम संबंध रखते हैं उसमें कर्म और कर्म के फल के अनुसार हमारा प्राप्ति होती है लेकिन पिता अब पिता तरसता है कि मेरी संतान हो और मैं उसको अपना सारी जायदाद छोड़ के जाऊँ उस पिता को कुछ लेना नहीं होता लेकिन उसके अंदर एक स्वाभाविक देने का संस्कार रहता है शिक्षक भी दुनिया के अंदर जितने शिक्षा देते हैं टीचर्स कोई उनकी शिक्षा देने की कीमत अदा नहीं कर सकता एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का स्टूडेंट जाके देश का राष्ट्रपति बन जाता है उस टीचर को कितनी खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट राष्ट्रपति बन गया लेकिन टीचर ने उसको विद्या दी दि, दि, गुण दिया जो कुछ भी दिया तो टीचर भी देता ही है टीचर के देने का कोई रिटर्न दे नहीं सकता इसी प्रकार से टीचर का यही रहता है कि स्टूडेंट शोज टीचर के बस मेरा स्टूडेंट लायक हो मेरा नाम रोशन करे और गुरु भी जो है गुरु भी देने वाला ही होता है गुरु को कहते हैं कि गति सदगति का मार्ग बताने वाला होता है तो परमात्मा के साथ भी हम लोग हमेशा एक विचार मन के अंदर व्यक्ति के रहता है कि हम परमात्मा को अनेक भिन्न भिन्न संबंधों से याद करें क्योंकि एक संबंध से याद करने से परमात्मा निराकार हैं तो उनकी याद भूल जाती है आम तौर पर लोग यही कहते हैं हम परमात्मा हमारे परमप्रिय हैं यानी डियर Dear, डियर नहीं डियरेस्ट हैं लेकिन फिर भी उनकी याद भूल जाती है हम उनको याद रखना भी चाहते हैं पर उनकी याद हमारे मन में टिकती नहीं आम तौर पे लोग कहते हैं इसलिए फिर उनको कई लोग ये गाइड करते हैं कि जो संबंध तुम्हारा नहीं है उससे वो परमात्मा को याद करो ताकि तुम्हारी लगन लगी रहेगी अगर किसी की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया है या किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया है या किसी के कोई भी संबंध का अभाव है तो परमात्मा तुमको किसी भी संबंध से संबंध निभा सकता है इसलिए कहा जाता है परमात्मा के लिए कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुमेव तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें तुम्हें सर्वम देव देव ये गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है परमात्मा के लिए तो तुम सभी संबंध हमारे तुम्हारे साथ हैं लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी जो संबंध किसी को कुछ प्रदान करता है वो संबंध याद रहना स्वाभाविक है उसको भूलना आसान नहीं होता बल्कि उसको भूलना मुश्किल हो जाता है इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे आप परम पिता परम शिक्षक और सतगुरु संबंधों से अगर याद करोगे तो तुम्हें इनहेरिटेंस उत्तराधिकार भी मैं देता हूँ और तुम्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान भी मैं देता हूँ और मैं तुम्हारी सदगति भी करता हूँ कि अन्य जितने भी गुरु हैं वो आपको अपने साथ लेकर परम धाम में नहीं जाते कई गुरु तो आपके जीवन काल में ही शरीर छोड़ जाते हैं उनके शिष्य को गुरु बनाया जाता है अगर हम धर्म स्थापकों को कहें कि जिन्होंने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए जैसे क्रिश्चियन धर्म है मुस्लिम धर्म है इस्लाम धर्म है बुद्धिस्ट धर्म है तो धर्म स्थापक भी आपको वापस नहीं ले जाते बल्कि वो तो ऊपर से आत्माओं को नीचे लाने के निमित्त बनते हैं जब कोई धर्म स्थापक धरती पर आता है तो उसके पीछे उसके धर्म की आत्माएं ऊपरम धाम से नीचे आती हैं इसलिए सतगुरु जो सबको एक बारी वापस ले जाए वो परमपिता परमात्मा ही है इसलिए परमात्मा को लोग लिबरेटर भी कहते हैं गति दाता सदगति दाता मुक्ति दाता तुम ही हो तो इन तीन संबंधों से अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी याद जो है वो स्थायी रह सकती है अब आप देखेंगे कि परमात्मा जो शिक्षक के संबंध से हमको ज्ञान देते हैं वो इतना क्योंकि इतना वो सारा विस्तार का ज्ञान है तीनों कालों का और तीनों लोकों का यानी सृष्टि के आद मध्य अंत का या यूं कहें कि सारे विश्व की हिस्ट्री और सारे ब्रह्मांड की ज्योग्राफी वो परमात्मा हम बच्चों को बहुत सहज तरीके से बहुत आसानी से बता सक देते हैं जो आज तक ना किसी ने बताया है ना कोई ऐसा बताने वाला मिला है और ना कभी कोई बता सकेगा यानी एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से आप पूछेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से जैसे कोई छोटा बच्चा उसको कोई नक्शा दिखा दे या कोई खेल बता दे उसको डिस्क्राइब करता है तो हम सब आत्माएँ फ़ौर बता सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर तीन लोग हैं एक लोक में निराकार आत्माएं रहती हैं एक लोक सूक्ष्म लोक है जहाँ पर के चलना फिरना हो सकता है फरिश्ते की तरह वहाँ आवाज़ नहीं है और एक ये तीसरा लोक है जिसको हम साकार लोक सृष्टि कहते हैं इसमें हम आत्माएं हड्डी मांस का शरीर धारण करती हैं हम बोल बोलती भी हैं इसलिए इसको टॉकी वर्ड कहा जाता है ऊपर वाले को मूवी वर्ड कहा जाता है और ऊपर वाले को साइलेंट वर्ड कहा जाता आसानी से हम बता देते हैं फिर इस दुनिया में जब हम आते हैं तो भगवान हमको बता देते हैं कि तुम आत्मा अनादि हो अविनाशी हो ये तुम्हारा नाटक का स्टेज भी अनादि अवनाशी है ये सृष्टि चक्कर चलता ही रहता है चलता ही रहता है जैसे तुम दिन रात को जानते हो कैसे कैसे दिन से रात आती रात से दिन आता है इसी प्रकार से भगवान हमें बता देते हैं ये चक्कर कैसे सतयुग से चलता है चलते चलते कलयुग तक आता है फिर कलयुग के बाद पुनरावृत्त होता है तो हमको बच्चे की तरह बाबा ने सारा ज्ञान दिया हुआ लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आत्मा को जिस आत्मा को अपना पूरा पाठ पता हो वो आत्मा हीरो एक एक्टर की तरह एक मुख्य एक्टर की तरह सृष्टि पर अपना पार्ट बजा सकती है क्योंकि उसको आदि का भी पता है मध्य का भी पता है अंत के भी उसके संस्कार हैं और उसको स... किसी भी समय ये पता होता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ ताकि वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा सके और पीछे के आधार पर आगे का भी एक्शन ले सके वरना लोग जो है गैस वर्क के आधार पर दुनिया में चलते हैं तो उनका कुछ लक्ष्य नहीं रहता ना ही वो कंफ्यूज रहते हैं उनको कोई दृढ़ता होती है जैसे कई लोग कह देते हैं कि दुनिया करोड़ों वर्ष पहले बनी थी कोई कह देता है सूर्य का टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा हुआ वहाँ धरती पैदा हो गई अनेक प्रकार की थ्योरीज हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इस प्रकार से हैं थ्योरी ऑफ़ क्रिएशन है और थ्योरी ऑफ एटर्निटी है इसमें ना जा कर के हम उसी बात पे आते हैं कि परमात्मा हमको ये सारा ज्ञान एक पर्टिकुलर टाइम पर देते हैं ना तो देवताओं को जो सतयुग के देवता हैं उनको ये पूरा ज्ञान रहता है क्योंकि अगर देवताओं को ज्ञान मिल जाए तो यही मिलेगा कि तुम सतयुग से नीचे त्रेता में जाओगे द्वापर में जाओगे कलयुग में जाओगे जैसे किसी को कोई बता दे कि कुछ समय बाद तेरी मृत्यु होने वाली है तो अभी से ही डर डरने लग जाएगा तो नीचे जाने का ज्ञान भगवान देते नहीं हैं उसके बाद तो ज्ञान मिलने का सवाल ही नहीं रहता मनुष्य जन्म मरण में आता है और भगवत गीता में लिखा हुआ कि तुम अपने पिछले और अगले कर्मों को नहीं जानते हो आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पिछले जन्म में क्या था उससे पिछले में क्या था कौन मेरे रिश्तेदार थे और कब मेरा शरीर छूटेगा और आगे क्या होगा ये गुप्त रहना ही अच्छा है क्योंकि पाठधारी हैं सीन बाई सीन दुनिया चलती है लेकिन एक ऐसा समय होता है जब आप बिल्कुल नीचे होते हैं उस वक़्त आपको ये ज्ञान मिले कि आप ऊपर जाने वाले हैं तो खुशी की बात है किसी जेल के कैदी को जब सज़ा मिलती है तो, तो उम्र भर ने जेल में रहना है वो कोई खुशी की बात नहीं है लेकिन जब कैदी को छूटने का वक़्त आता है और उसको कोई ये बताता है अब तेरी कैद से तू तो छूटने वाला है मुक्त होने वाला है बिल्कुल फ्री होने वाला है तो उसको खुशी रहती है तो परमात्मा ने भी ऐसी विधि है जिसके अनुसार परमात्मा कहते हैं मैं अवतरित ही तब होता हूँ जब तुम बिल्कुल ही दुखी मोहताज भूले हुए होते हो और मैं फिर तुमको आकर के सुखी सिरताज और तीनों कालों का ज्ञान देने वाला बनाता हूँ तो उससे हमको फिर खुशी प्राप्त होती है यही भगवत गीता कहती है कि जब अतीत धर्म गलानी हो जाती है अज्ञान फैल जाता है मनुष्य पाप कर्म करने लगते हैं तब मैं अवतरित होकर पूरी नई दुनिया बनाता हूँ तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान मैं जब देता हूँ उसके बाद तुमको देवता का पद मिलता है और उसके बाद यह ज्ञान लुप्त तो हो जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती क्या कोई व्यक्ति अस्पताल का लाइफ मेंबर थोड़ी बनता है अस्पताल में व्यक्ति जब जाता है जब उसको रोग होता है जब रोग छूटता है फौरन वो डिस्चार्ज हो जाता है तो कई लोग ये समझते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान शाश्वत है ईश्वरीय ज्ञान कभी भी कोई व्यक्ति ले सकता है और ईश्वरीय ज्ञान शायद शास्त्रों में लिखा हुआ है और शास्त्र पढ़ने से वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार वो ये भी समझते हैं कि कोई, कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त परमात्मा से इस दुनिया को छोड़कर मुक्ति को पा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है एक नियम होता है नियम के अनुसार ही ज्ञान मिलने का समय ज्ञान की प्रारब्ध भोगने का समय प्रारब्ध के बाद फिर ज्ञान मिलने का समय ऐसे होता है इसलिए हमारे यहाँ कहावत है तप से राज राज से नरक नरक से तप कि जब व्यक्ति नरक में आ जाता है तो नरक से छूटने के लिए तपस्या करता है तपस्या के आधार पर उसको राज मिलता है फिर राज मिलने पर वो फिर भूल जाता है अपनी तपस्या को फिर धीरे धीरे उसकी राजसत्ता घटती है तो फिर वो दुखी हो जाता है जब दुखी होता है फिर याद करता है इसीलिए ये भी कहा गया है दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई कोई भी व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति डॉक्टर को नहीं बुलाएगा ना अस्पताल में एडमिट होगा तो ये सारी डिटेल भगवान हमें बताते हैं और ख़ास तौर पे इस वर्तमान समय का महत्व बताते हैं जिसको संगम युग कहते हैं तो मोटी बात जानने की इसमें यह है कि संगम युग कब होता है और संगम युग की उपलब्धि क्या है तो ये तो हम जानते हैं कि संगम युग कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में होता है ये जानना आवश्यक है कि क्या संगम युग सतयुग से पहले होता है या आधा कलयुग और आधा सतयुग को मिला के संगम होता है ये इस बात को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बाबा के बच्चे जिनको बाबा जिसको बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ ये भी बात समझने की है कि शूद्र और ब्राह्मण आज के गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि किसी व्यक्ति को शूद्र कहना क्योंकि शूद्र की परिभाषा ही मनुष्यों ने गलत ले ली उन्होंने सफाई सेवकों को शूद्र कहना शुरू कर दिया तो अनटचेबिलिटी बना दी लेकिन भगवान ने शूद्र और ब्राह्मण की अलग परिभाषा बताई हुई है जो सच्ची परिभाषा है तो भगवान कहते हैं कि ये जो वर्ण हैं ये कोई एक ही युग में सारे वर्ण नहीं होते बल्कि हर युग के आधार पर वर्ण होता है सतयुग में देवता होते हैं तो सारे ही देवता होते हैं वहाँ पर कोई फिर क्षत्रिय वैश नहीं होता त्रेता में जब क्षत्रिय होते हैं तो फिर सारे क्षत्रिय होते हैं ना कोई उसमें देवता होता है ना फिर वैश्य और शूद्र होता है जब द्वापर आता है उसमें सारे ही वैश्य हो जाते हैं ना कोई शूद्र होता है ना कोई क्षत्रिय होता है ना कोई देवता होता है इसी प्रकार से जब कलयुग आता है तो भगवान के हिसाब से सब शूद्र हो जाते हैं अब किसी को कोई ये सुनेगा उसको बड़ा धक्का लगेगा कि हैं हम शूद्र हैं हम तो काश से ब्राह्मण हैं या हम ये हैं लेकिन भगवान कहता है शूद्र की परिभाषा क्या है शूद्र उसको कहा जाता है जिसके अंदर पांच विकार हों और तमोगुनी दुनिया ही कलयुग कहलाती है जब सृष्टि चक्कर में तमोगुण का समय आता है तो कलयुग शुरू होता है और तमो प्रधानता बढ़ती जाती है तो कलयुग घोर होता जाता है अगर आप आज की गीता भी पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि काम विकार द्वापर से शुरू होता है आज भी स्पष्ट लिखा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि द्वापर से पहले त्रेता और सतयुग में काम विकार नहीं था तो काम क्रोध दो और अहंकार ये जो खराबियां हैं ये जो गिरावट है जब आत्माओं में आती है तो शूद्र बनते हैं पहले हल्के रूप में आती हैं फिर बहुत रूप में आ जाती हैं तो भगवान कहते हैं जिस दुनिया को मैं मैं शिव ने शिवालय बनाया था आज वो दुनिया वैश्यालय बन जाती है काम क्रोध दो मोहंकार आत्माओं के अंदर घुस जाते हैं तो उसको शूद्र आलय कहते हैं तो भगवान कहते हैं उस शूद्र आलय को ही जिसको हम आसुरी अवगुण भी कह सकते हैं जो गीता के सोलहवें चैप्टर में लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर दो ही संपदा होते हैं एक आसुरी और एक देवी तो परमात्मा उन आसरी अवगुण वाली आत्माओं को ही पिकअप करके उनमें से उनको चेंज करते हैं नई दुनिया के लायक बनाने के लिए इसमें भगवान ने हमें एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि भ्रिमरी एक ऐसा कीड़ा होता है जो कीड़े को उठा करके उसको अपने घर बना के भू भू करके उसको बटरफ्लाई बना देता है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है तो भगवान भी कहते हैं मैं परमात्मा आके ब्राह्मणियों को रचता हूँ ब्रह्मा को रचता हूँ नई दुनिया बनाने के लिए ब्रह्मा भी यहीं से लेता हूँ उसको परिवर्तन करता हूँ और फिर उसके द्वारा मैं ब्राह्मण बनाता हूँ तो ब्राह्मण कोई शरीर के ब्राह्मण भगवान नहीं बनाता है बल्कि जिन आत्माओं को परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं वो आत्माएँ है जो देवता बनने के लिए मान लो परमात्मा के विश्वविद्यालय में एंट्री लेती हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को ही मैं देवता बनाता हूँ इसलिए हमारे देश में जब नमन करते हैं तो पहले ब्राह्मण को नमन करते हैं फिर देवता को नमन करते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः ऐसे कहा जाता तो ब्राह्मण क्यों कि देवता ही पहले ब्राह्मण बनते हैं कोई व्यक्ति शूद्र से सीधा देवता नहीं बन जाता उसको भगवान चेंज करते हैं दुनिया ये तो जानती है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवता सतयुग में थे लेकिन उनको देवता किसने बनाया और कब बनाया ये नहीं जानती और यही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि देवता ही पहले ब्राह्मण बन के स्टडी करते हैं ब्राह्मणों का काम ही होता है पढ़ना इसीलिए उनके ब्रह्मा जो है उनके हाथ में ग्रंथ दे दिए हैं लेकिन भगवान कोई ग्रंथों की द्वारा शिक्षा नहीं देते परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा ये ब्राह्मण रचते हैं और वो जो पीरियड है जिसमें शूदर से आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं और इतनी लायक बनती हैं कि वो फरिश्ता बन जाए और देवता बन जाए उसको संगम युग कहते हैं तो नोट करने की बात हमको ये है कि संगम युग सतयुग में नहीं होता सतयुग से पहले होता है और कलयुग के अंत में होता है और कई लोग संगम का ये अर्थ ले, ले लेते हैं कि संगम मैंने मिक्स्ड अर्थात हम किसी कभी हम कलयुग में भी जा सकते हैं फिर हम संगम युग पर आ सकते हैं फिर हम कलयुग में जा सकते हैं इससे वो धोखा खा लेते हैं जैसे मान लीजिए आगे कोई रोड जा रही है आगे जाके रेड लाइट है जहाँ से उनको आगे जाना है तो कई व्यक्ति रोड पिछ रोड से पहले इधर उधर रोड पे चलते रहते हैं लेकिन जब वो जानते हैं कि रेड लाइट का आने वाला है तो अपनी लेन के अंदर आ जाते हैं कि मुझे बाएँ मुड़ना है तो मैं लेफ़्ट की तरफ रहूँ मुझे दाएँ मुड़ना है तो मैं राइट की तरफ रहूँ लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल रेड लाइट के नज़दीक आ कर के लेन बदलना चाहे कि मैं बाएँ में जा रहा हूँ मैं दाएँ की तरफ जाऊँ वो जा नहीं सकता क्योंकि बीच में ट्रैफिक होता है तो भगवान कहते हैं संगम मैं रचता हूँ अर्थात आप कलयुग से मर गए और सतयुग में आ गए इसलिए ये जो ब्राह्मण का जन्म है इसको द्विज भी कहा जाता है दुनिया के अंदर भी ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है उनके एक संस्कार होता है जिसमें उनको जनऊ पहनाते हैं और कहते हैं अब तेरा दूसरा जन्म हो गया ब्राह्मण को मर जीवा भी कहा जाता है कि एक ही जन्म में वो जीते जी मर करके अपने शूद्र लाइफ को बदल करके ब्राह्मण लाइफ को अडॉप्ट करता है देवता बनने के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम संगम पर आ जाते हैं तो हमें वापस कलयुग में कदम नहीं रखना है कलयुग की तरफ हमारी पीठ हो जाती है अगर कोई व्यक्ति संगम पर आके एक बारी कलयुग में चला जाए फिर वापस आ जाए फिर कलयुग में चला जाए तो वो फिर देवता नहीं बन सकता फिर उसकी स्पीड घट जाती है उसमें शुद्धि अशुद्धि मिक्स रहती है और उसको फिर त्रेता में जाना पड़ता है इसलिए कहा जाता है कि वो फिर अंत तक युद्ध करता रहता है और जीत नहीं पा पा सकता है अपने विकारों पर देवी गुण धारण नहीं कर सकता है सोलह कला संपूर्ण नहीं बन सकता है वो चौदह कला तक ही रह जाता है इसलिए उसको फिर त्रेता के अंदर जन्म मिलता है इसलिए त्रेता के जो महाराजा हैं श्री रामचंद्र जी उनको सिंबल दिखाया गया है धनुषमान का कि वो युद्ध युद्ध करते रहे तो युद्ध करते रहते करते करते जो शरीर त्यागता है पूरी विजय नहीं पाता है वो गीता में लिखा हुआ कि ऐसे को भी श्रीमानों के घर जन्म मिलता है तो त्रेता में चले जाता है तो हर ब्राह्मण को ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि कलयुग से हम संगम में आ गए हैं और जितनी उपलब्धियाँ भगवान ने हमें दी हैं जिस वक़्त परमात्मा हमारे परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु बनते हैं वो संगम का युग है सतयुग के अंदर ये बातें नहीं होती तो भगवान कहते हैं मैं ही संगम युग रचता हूँ और मैं ही सूक्ष्म लोक भी रचता हूँ मैं परमात्मा धरती पर भी संगम युग पर ही आता हूँ इसलिए संगम युग को ही वरदान है कि वहाँ शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हैं ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनते हैं फरिश्ता से फिर हम आत्मस्वरूप से परम धाम में जाते हैं परम धाम से फिर हम अपने अपनी प्योरिटी के अनुसार अपने अपने पाठ के अनुसार सतयुग में फिर त्रेता में नंबर वाइज देवता स्वरूप में जन्म लेते हैं फिर आगे हमारे पुनर्जन्म होते हैं तो जो कुछ भी अलौकिक पाठ है ना तो ये परलौकिक पाठ है ना ये लौकिक पाठ है अलौकिक पाठ है और अव्यक्त स्थिति है जिसमें हम आगे पीछे को भी जानते हैं ऊपर को भी जानते हैं सारे समय के अंत है नाटक सिमट रहा है नया नाटक कैसे शुरू होता है उस मौके पर हम खड़े हैं हमें दोनों तरफ की दुनियाओं का भी पता है ऐसे अलौकिक युग में भगवान हमको अपने अलौकिक बच्चे बनाते हैं इसलिए ना हम लौकिक हैं अर्थात ना हम कलयुग के हैं ना हम परलौकिक हैं क्योंकि हम परम धाम में अभी जाने लायक नहीं हैं प्योर बन रहे हैं हम अलौकिक हैं तो भगवान कहते हैं इस अलौकिक युग में मैं तुम्हें अव्यक्त स्थिति प्राप्त कराता हूँ तुम्हें एक विचित्र तरह की शक्ति देता हूँ जिससे आप इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कलयुगी दुनिया में अपना पार्ट बजाते हुए आप न्यारे और इस उस दुनिया के प्यारे बन सकते हो और ये अलौकिक युग ऐसा है जहाँ हमें अति दुख के दुनिया में अति सुख की प्राप्ति हो सकती है जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं अगर किसी को सुख में सुख प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी को हमाले पर बर्फ़ चाहिए तो बर्फ़ तो वहाँ बहुत है हमाले पर बर्फ को अगर पानी बनाना हो तो आपको जला आग जलानी पड़ती है तो सुख में सुख कोई बड़ी बात नहीं है दुख में सुख बहुत बड़ी बात है दिन में कोई चिराग जला ले किसी की लाइट जलती रहे तो लोग भी कह देते हैं भाई दिन चढ़ा हुआ तेरी लाइट जल रही इसको बंद कर ले लेकिन रात के अंदर और घोर रात के अंदर अगर किसी को माचिस भी मिल जाए तो उसको रास्ता दिख जाता है तो भगवान कहते हैं सतयुग में तो सुख की दुनिया है वहाँ देवता सुख की प्रारोद भोगते हैं कल युग में अति दुख की दुनिया है हम लोगों ने अनुभव कर लिया है बाबा ने कहा पिछले तिरसठ जन्मों से द्वापर से लेकर कलयुग तक आत्मा अनुभव करती आई है इस दुनिया में सुख ढूंढने जाओ आपको दुखी मिलेगा इस जन्म में भी हमने देखा है ऊपर ऊपर से हमें सुख दिखाई देता है जैसे कोई किसी का जाला बुना हुआ हो आर्टिफिशियल चीज़ हो अंदर जाते ही हमें दुख प्राप्त होता है इसीलिए इस दुनिया को रावण की लंका सोने की लंका अर्थात नकली सोने की लंका कहा गया है तो इसलिए इस दुख की दुनिया में रहते हुए और इसी दुनिया के अंदर शरीर धारण किए हुए इसी दुनिया के अंदर पिछले हिसाब किताब के अनुसार अपने मित्र संबंधी को रखे हुए इसी दुनिया के इस तमोगुणी शरीर को धारण किए हुए जो कि तत्व तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है हम पिछले सब हिसाब किताब चुकतु करके अगले अनेक जन्मों की प्रारब्ध हम बनाते हैं तो संगम युग का बहुत महत्व है इसलिए भगवान कहता है कि सुख तो क्या देव को देवताओं को तो सुख होता है मैं तुमको संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता हूँ अब ये अति इंद्रिय सुख एक विचित्र प्रकार का सुख है जो आप इस इंद्रियों के आधार की जिसमें ज़रूरत ही नहीं है और वो सुख आप अव्यक्त स्थिति में या फरिश्ता रूप में भोग सकते हो तो भगवान कहते हैं कि जिसको अंतावाहक शरीर कहा गया है शरीर से न्यारे होने की अवस्था कहा गया है विदेही अवस्था कहा गया है अशरीरी अवस्था कहा गया है उसकी अनुभूति भी आप अभी करते हो और उसमें आप रह करके अति दुख की स्थिति में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हो ओम शांति